हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 5 पेडिग्री एनालिसिस। क्या होती है पेडिग्री एनालिसिस? नेम से क्लियर है, एनालिसिस जिसमें हम किसी भी चीज़ का पता लगा रहे हैं। तो किस चीज़ का पता लगा रहे हैं? तो दिस इज सिंपली रिलेटेड विथ ह्यूमन जेनेटिक्स विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ऑफस्प्रिंग और जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे ट्रेट ट्रांसफ़र होते हैं, उन सबकी सबका पता लगाने के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस इज डिफाइंड एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ अ फैमिली और पर्टिकुलर इंडिविजुअल। जहाँ पे हम किसी भी इंडिविजुअल की जेनेटिक हिस्ट्री रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर ट्रेट की स्टडी के लिए या किसी डिसऑर्डर की स्टडी के लिए, तो जनरली पेडिग्री एनालिसिस इट डील्स विथ ह्यूमन जेनेटिक्स। ये किस चीज़ को डील करती है? इट डील्स विथ ह्यूमन जेनेटिक्स या इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स टू डिटेक्ट। मतलब किस लिए यूज़ किया जाता है इसको? टू डिटेक्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर या सिंपली कहें तो जेनेटिक डिसऑर्डर इन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अपीयर हुए हैं, किस वजह से अपीयर हुए हैं या जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, प्रीवियस जनरेशन में किनको थी ये बीमारी या फ्यूचर में ये किसको होने वाली है, इन सब का पता लगाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पेडिग्री एनालिसिस। As already discussed, pictorial representation मतलब जब भी हम किसी की genetic history design करते हैं तो हम कुछ symbol, कुछ pictures का use करते हैं उसकी genetic history को design करने के लिए। जैसे आप lower classes में family tree बनाते थे, उसी तरह से हम यहाँ पर pedigree chart बनाएंगे कि how trait, how disorder appear in offspring or travel from one generation to another generation। तो next come over नीड ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों नहीं हमने सिंपली जैसे आप कोई भी डिसऑर्डर डिटेक्ट करते हैं अलग अलग मीन से, तो पेडिग्री एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी ह्यूमन जेनेटिक्स में? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट इज़ अब ड्यू टू, क्यों नीड पड़ी इसकी, क्योंकि जो जनरेशन टाइम है ह्यूमन का वो बहुत ज़्यादा है कि पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में आने में लगभग 20 to 25 ईयर, मतलब नेक्स्ट जनरेशन आने में 20 से 25 साल लगते हैं। तो मैक्सिमली एक जेनेटिक काउंसलर कितनी जनरेशन को स्टडी कर पाता है? 1 to 3 generation। फर्स्ट इट इज ऑफ ड्यू टू रीजन, इट इज ऑफ ड्यू टू लेंथी जनरेशन पीरियड इन ह्यूमन, दैट इज 20 to 25 years, that is after 20 to 25 year next generations are produced। मतलब पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन आई प्रोजेनी, प्रोजेनी से नेक्स्ट जनरेशन आने में, प्रोजेनी आने के बाद उसके बाद जो F2 F3 जनरेशन आने में फिर से 20 से 25 साल लगेंगे। तो मैक्सिमली जेनेटिक काउंसलर कैन स्टडी मैक्सिमली 2 to 3 generation। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन कैन नॉट बी हैंडल्ड लाइक अनदर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स।
जैसे अनदर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स की बात करें तो मॉर्गन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, ड्रोसोफिला पे। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। उसी तरह से बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं गिनी पिग के ऊपर, मंकी के ऊपर। तो उस तरह की कुछ हैंडलिंग पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के केस में। दैट्स वाई वी नीड पेडिग्री एनालिसिस टू डिटेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, हाउ ट्रेट ट्रांसमिट फ्रॉम फोर फादर जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, की नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे ट्रेड ट्रांसफर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट कम ओवर सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। तो नेक्स्ट हम करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। जब भी मैं आपको कोई प्रॉब्लम दूंगी उससे पहले आप थोड़ा सा सिंबल पे फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे मेल फीमेल को किस मैनर में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो है पेडिग्री एनालिसिस में। तो हेयर सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, फीमेल को। वेयर एज स्क्वायर रिप्रेजेंट मेल, रोम्बस रिप्रेजेंट अनआइडेंटिफाइड सेक्स, अनआइडेंटिफाइड सेक्स, और सिंपली यदि हम कहें तो ट्रांसजेंडर, जहाँ पे हम सेक्स को डिफाइन नहीं कर सकते कि इधर द इंडिविजुअल आर मेल और फीमेल। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो आपको सिंपली दिख रहा है, यदि होलो सर्कल है, होलो मतलब सॉलिड नहीं है ये, तो स्क्वायर है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल, और रोम्बस है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनआइडेंटिफाइड सेक्स। लेकिन यदि ये सर्कल सॉलिड है, सॉलिड मतलब फिल्ड है, फिल्ड है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, अफेक्टेड फीमेल, कि उसको बीमारी है। मतलब जब मैं पेडिग्री चार्ट बनाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम होलो सर्कल लिखते हैं तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल फीमेल, हेयर टेक्निकली यू कैन कॉल फीमेल और नॉर्मल फीमेल। लेकिन यदि ये सॉलिड है, फिल्ड है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अफेक्टेड फीमेल। वेयर एज सॉलिड स्क्वायर रिप्रेजेंट अफेक्टेड अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड मेल, सिंपली यहाँ पे सिंबल मैंने यूज कर दिया। नेक्स्ट कम ओवर कि यदि वो कैरियर है, मतलब उसके अंदर डिजीज सिम्टम नहीं आए लेकिन वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन डिजीज को ट्रांसमिट कर रही है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ध्यान से देखें। ये है यदि हाफ सॉलिड स्क्वायर, हाफ सॉलिड स्क्वायर का मतलब आधा फील्ड डार्क और आधा लाइट है, या फिर हाफ सॉलिड सर्कल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कैरियर बट अनअफेक्टेड फॉर ऑटोसोमल जीन। मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटोसोमल ट्रेट को। अब ध्यान से थोड़ा सा मैं बार बार बताऊं, आप लोगों ने क्रोमोसोम कैरियोटाइप पढ़ा है कि हमारे बॉडी में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम एंड एलोसोम। एलोसोम इज कॉमनली सेड टू बी सेक्स क्रोमोसोम। तो जो जीन ऑटोसोम पे लोकेटेड है, यदि उनके अंदर जीन म्यूटेशन हुई तो वो कैसे डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर को। और यदि जीन सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, उनमें जीन म्यूटेशन हुई तो वो कैसे डिसऑर्डर को लीड करेंगे, सेक्स लिंक डिसऑर्डर को। तो नेक्स्ट, हेयर दिस रिप्रेजेंट दिस स्ट्रक्चर, यहां पे एक सर्कल बनाया और उसमें एक सॉलिड डॉट लिखा है मैंने, दिस इज कैरियर फॉर एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड जीन। इसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है बेटा, कई बुक में सिंपली इसको इसी से रिप्रेजेंट किया गया है, ये नहीं सिंबल यूज़ करते यहाँ पे। लेकिन आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, निट में आता है ये। यदि मैं आपको सिंपली बोलूँ कि हमने सेक्स क्रोमोसोम को किससे रिप्रेजेंट किया था, एक्स एक्स और एक्स वाई। वाई के ऊपर हमने पहले ही बता दिया था TDF होते हैं, टेस्टस डिटरमिनिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन एज सच बहुत सारे जीन नहीं होते जो ट्रेट को रेगुलेट करते हैं। इसका मतलब यदि एक भी फीमेल के ऊपर, एक एक्स के ऊपर यदि कैरियर जीन आता है तो वो क्या होगी, जस्ट कैरियर होगी बट अनअफेक्टेड होगी। लेकिन यदि दोनों के ऊपर कैरियर जीन आ जाए तो वो क्या होगी, अफेक्टेड। लेकिन मेल के केस में यदि एक्स के ऊपर भी कैरियर जीन आ जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अफेक्टेड मेल को, अफेक्टेड मेल को। लेकिन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरियर फीमेल को। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को, और दिस साइन रिप्रेजेंट हेयर कैरियर जीन। तो यदि एक ही एक्स कैरियर है
एक ही एक्स उसके ऊपर डिजीज जीन लोकेटेड है तो वो फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी, लेकिन वो क्या होगी, अनअफेक्टेड होगी। कैरियर का मतलब जो डिजीज को ट्रांसफर कर रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लेकिन वो क्या है, अनअफेक्टेड। नेक्स्ट रोमन नंबर सिंपली यदि हम पहले देखें तो दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट मेल वेर एज सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल। हेयर बोथ स्क्वायर एंड सर्कल लिंक्ड विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, किससे लिंक्ड किया हुआ है हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हेयर दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन पेरेंटल जनरेशन, मेटिंग और क्रॉसिंग बिटवीन पेरेंटल जनरेशन। सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मेटिंग बिटवीन पेरेंटल जनरेशन। लेकिन यदि दो हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट की गई है मेल और फीमेल के बीच में, तो दिस रिप्रेजेंट कॉन्सेंजीनियस मैरिज। कॉन्सेंजीनियस मैरिज क्या होता है, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव। आपने देखा होगा कि बहुत क्लोज रिलेशन में मैरिज होती हैं एज यू नोटिस इन सम रिलीजन, तो उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर आने के चांसेस उतने ही क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट दिस डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कॉन्सेंजीनियस मैरिज, दैट इज मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव, दैट इज मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव। नेक्स्ट सिंबल, अब आप देखें कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को, मेटिंग बिटवीन पेरेंटल जनरेशन। हेयर आई रिप्रेजेंट वर्टिकल लाइन, हेयर आई रिप्रेजेंट वर्टिकल लाइन। तो आप देखें यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो ये कौन सी जनरेशन है बेटा, पेरेंटल जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। अगेन यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये कौन सी जनरेशन आ गई, अगेन F3 जनरेशन। तो आप देख रहे हैं कि रोमन नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ जनरेशन। वन जनरेशन फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P जनरेशन को। सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F1। थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F2। तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हेयर दिस वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट प्रोजेनी और नेक्स्ट जनरेशन, प्रोजेनी और नेक्स्ट जनरेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रोजेनी को और नेक्स्ट जनरेशन को। तो अब यहाँ पे देखें रोमन नंबर है ये, और यहाँ पे यदि आप देखें तो इसको लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे रोमन नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यू कैन ऑल्सो राइट रोमन नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जनरेशंस, नंबर ऑफ जनरेशन, कि F1 है, F2 है, F3 है एंड सो ऑन मेनी जनरेशन। एंड हेयर सिंपल अलजेब्रिक नंबर, सिंपल अलजेब्रिक नंबर्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एक बार फिर से रिकैप करा देती हूँ, आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटिंग बिटवीन पेरेंटल जनरेशन। डबल हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंजीनियस मैरिज, दैट इज मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स एज यू नोटिस इन सर्टेन रिलीजन, विच अगेन इंक्रीज द रिस्क फैक्टर ऑफ मोर एंड मोर अराइवल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन देयर प्रोजेनी। नेक्स्ट आप देखें कि 1, 2, 3 यहाँ पे रोमन नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ जनरेशन को। 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट कम ओवर कि क्या प्रोजेनी ऑलवेज एक ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ आपने केसेस सुने होंगे मोनोजैगोटिक ट्विंस, डायजैगोटिक ट्विंस, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पेडिग्री में। तो नेक्स्ट कम ओवर अनदर सिंबल, यहाँ पे देखें पेरेंटल जनरेशन, सिंपली यदि मैं देखूँ तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया फर्स्ट,
और यहाँ पे आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट किया था प्रोजेनी और नेक्स्ट जनरेशन को, यहाँ पे मैंने स्लैंटिंग लाइन रिप्रेजेंट किया है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायजाइगोटिक ट्विन्स, वन प्रोजेनी इज फीमेल, अनदर प्रोजेनी इज मेल। नेक्स्ट इसी के अंदर आप देखें केसेस कैसे भी आ सकते हैं, सेक्स सेम भी हो सकता है, सेक्स अलग भी हो सकता है, दोनों फीमेल भी हो सकती हैं, डायजाइगोटिक भी हो सकती हैं, और हेयर दिस रिप्रेजेंट मेल प्रोजेनी, स्क्वायर रिप्रेजेंट हेयर मेल प्रोजेनी। तो ये थ्री जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये किसके लिए दी गई है बेटा? यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट डायजाइगोटिक ट्विन्स इन पेडिग्री एनालिसिस। हालांकि इतने कॉम्प्लिकेटेड आपके नहीं आएंगे प्लस टू में, लेकिन हम सिंबल्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखी कि ये कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन पेरेंटल जनरेशन, और ये टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एफ वन जनरेशन को। तो यहाँ पे देखें कि डायजाइगोटिक ट्विन्स में जो प्रोजेनी है वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकती हैं, या दोनों मेल प्रोजेनी हो सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल यूज्ड, यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट सिंबल हम यूज़ करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस पेरेंटल जनरेशन, और यहाँ पे यदि दोनों फीमेल हैं और आइडेंटिकल हैं तो दिस रिप्रेजेंट मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक मतलब जो सिंगल जाइगोट से बने हों, क्लीवेज हो गए हों, तो उनके सेक्स ऑलवेज क्या होंगे? सेम। उनका जेनेटिक मेकअप भी क्या होगा? सेम। उनका फिंगर प्रिंटिंग भी इवन क्या होगा? सेम। VNTR सीक्वेंसेस भी उनकी क्या होंगी? सेम। तो नेक्स्ट दिस रिप्रेजेंट हेयर, अब मोनोजाइगोटिक ट्विन्स ऑलवेज पोजेस सेम सेक्स, इधर मेल और फीमेल, या तो दोनों मेल प्रोजेनी होंगे या दोनों फीमेल प्रोजेनी होंगी। तो दिस रिप्रेजेंट हेयर अगेन एफ वन जनरेशन पेरेंटल जनरेशन, एंड दिस सेकेंड रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंट एफ वन जनरेशन, एंड दिस रिप्रेजेंट मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। और इसके अलावा यदि हम सिंबल कुछ ऐसा यूज़ कर लें, नॉट इन योर सिलेबस, कि यदि हम इसको अंडर ब्रैकेट सर्कल और या अंडर ब्रैकेट हम इसको लिखते हैं, अंडर ब्रैकेट सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल, अंडर ब्रैकेट स्क्वायर रिप्रेजेंट मेल, एंड दिस इज अडॉप्टेड चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड। और एक लास्ट सिंबल ये यहाँ पे सिंपली मैं लिख देती हूँ, दिस इज सेड टू बी स्टिल बर्थ, सॉरी स्टिल बर्थ, और सिंपली बोलें तो डिसीज्ड, डिसीज्ड। व्हाट डू मीन बाय डिसीज्ड? डेथ, कि बच्चे की डिलीवरी कैसी हुई है, डेथ, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, हैविंग सर्टेन मेंडेलियन डिसऑर्डर, कुछ सीरियस फेटाल डिसऑर्डर हो सकता है उसको। तो एक बार फिर से रिकैप करेंगे, बिफोर एक्सप्लेनिंग पेडिग्री चार्ट हम सिंबल्स के ऊपर फोकस करेंगे बेटा। तो एक बार फिर से सिंबल्स के ऊपर आ जाइए, आज का जो सेगमेंट है वो सिंबल, क्योंकि सिंबल यदि आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप पेडिग्री क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सर्कल रिप्रेजेंट हेयर फीमेल, स्क्वायर रिप्रेजेंट मेल, रोम्बस रिप्रेजेंट अनआइडेंटिफाइड सेक्स और ट्रांसजेंडर, सॉलिड सर्कल रिप्रेजेंट अफेक्टेड फीमेल, एंड दिस सॉलिड स्क्वायर रिप्रेजेंट अफेक्टेड मेल। बट इफ द सर्कल एंड स्क्वायर बोथ आर हाफ सॉलिड देन इट रिप्रेजेंट कैरियर बट अनअफेक्टेड। कैरियर का मतलब जो डिजीज तो ट्रांसफर कर रही है नेक्स्ट जनरेशन में लेकिन सिम्टम शो नहीं हो रहे, उन इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं? कैरियर्स बोलते हैं। एंड दिस स्क्वायर सॉरी सर्कल विथ वन डॉट, वन सॉलिड डॉट रिप्रेजेंट कैरियर फॉर एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड जीन। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। मैंने बताया कि यदि एक्स के ऊपर दोनों के ऊपर कैरियर जीन होगा तो ही फीमेल अफेक्टेड होगी, यदि एक के ऊपर कैरियर जीन है तो वो क्या होगी? जस्ट कैरियर होगी, डिजीज नहीं होगी। लेकिन वाई के ऊपर कोई भी जीन नहीं होता तो यदि एक भी एक्स के ऊपर डिजीज जीन आता है तो वो ऑलवेज मेल कैसे होंगे? अफेक्टेड। तो जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर हैं, एक्स लिंक डिसऑर्डर हैं, दे मेनली अफेक्ट मेल एज कंपेयर टू फीमेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेक्स लिंक डिसऑर्डर इन मेल प्रोजेनी एज कंपेयर टू फीमेल, तो फीमेल कब अफेक्टेड होगी इन होमोजाइगस कंडीशन,
लेकिन मेल कब अफेक्टेड होंगे हिट्रोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि वाई के ऊपर कोई डिजीज जीन नहीं होता, और यदि एक भी एक्स के ऊपर कैरियर और डिजीज जीन होता है तो वो मेल 100% क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। हेयर दिस हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन स्क्वायर एंड सर्कल रिप्रेजेंट मेटिंग और क्रॉसिंग बिटवीन पेरेंटल जनरेशन। क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, क्रॉसिंग को, और वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोजेनी को और नेक्स्ट जनरेशन को। बट डबल हॉरिजॉन्टल लाइन हेयर रिप्रेजेंट कंसेंजीनियस मैरिज। कंसेंजीनियस का मतलब क्लोज रिलेशन में मैरिजेस हो रही हैं, तो उसको हम क्यों अलग से सिंबल दिया है हमने, क्योंकि कंसेंजीनियस मैरिज इंक्रीज द रिस्क फैक्टर ऑफ मोर एंड मोर अराइवल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, रोमन नंबर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ जनरेशन को, और अल्जेब्रिक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपली इंडिविजुअल्स को। अब मैंने कुछ सिंबल एक्स्ट्रा यहाँ पे बताए हैं, दिस सिंबल्स नॉट आर इन योर सिलेबस, ये आप हायर पीजी क्लासेस में करेंगे। यहाँ पे आप देखें, सिंपल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट प्रोजेनी जनरेशन, बट हेयर दिस स्लैंटिंग लाइन, बोथ स्लैंटिंग लाइन आर कनेक्टेड, देन इट रिप्रेजेंट डायजाइगोटिक ट्विंस। डायजाइगोटिक ट्विंस में सेक्स सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, और इनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, अलग, क्योंकि अलग ही स्पर्म है और अलग ही ओवा है। लेकिन इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये नीचे से भी हम इसको जो प्रोजेनी जनरेशन आई है उसको अटैच कर देंगे, तो इफ़ दीज लाइन इज नॉट हेयर देन इट रिप्रेजेंट डायजाइगोटिक ट्विंस, एंड इफ दिस लाइन इज प्रेजेंट देन इट रिप्रेजेंट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एंड इफ इट इज अंडर ब्रैकेट देन द चाइल्ड इज अडॉप्टेड। तो अडॉप्टेड चाइल्ड में जो डिसऑर्डर्स आए हैं वो उसके अपनी पेडिग्री से, उसके जेनेटिक जो मदर फादर रहे होंगे उसके आ सकते हैं, क्योंकि अडॉप्टेड फैमिली में यदि डिसऑर्डर है, लेकिन वो प्रोजेनी कहाँ से आया है, बाहर से आया है। तो हेयर अंडर ब्रैकेट सर्कल एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट अडॉप्टेड चाइल्ड, एंड दिस वर्टिकल लाइन विथ वन सॉलिड डॉट रिप्रेजेंट स्टिल बर्थ और डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब होता है कि बच्चा जो पैदा हो रहा है, या तो प्री मैच्योर डिलीवरी हुई या पैदा होते ही उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, एंड वी यूज टर्म डिसीज्ड और स्टिल बर्थ। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सिंबल यूज इन पेडिग्री एनालिसिस, तो मैं कुछ आपको पेडिग्री चार्ट क्लियर करा दूं कि पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम किस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर को। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, और जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है इट इज़ बेसिकली डिविजिबल इंटू टू मेजर कैटेगरी, ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड सेक्स लिंक डिसऑर्डर। लेकिन यदि मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ इसके बारे में कि जो ये डिसऑर्डर्स हैं इसके अंदर मेंडल के लॉ तो फॉलो होते हैं, कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड अपीयरेंस ऑफ दीज टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन एंसेस्ट्रल जनरेशन और प्रोजेनी जनरेशन और जनरेशन आफ्टर जनरेशन, या हम कहीं फ्यूचर जनरेशन में, तो बेसिक रीज़न बिहाइंड इज जीन म्यूटेशन। जीन इज लोकेटेड ओवर क्रोमोजोम, वेदर द क्रोमोजोम इज ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोजोम। तो यदि सेक्स क्रोमोजोम के जीन के ऊपर जीन म्यूटेशन हुई तो वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर को लीड कराएंगे, और यदि वो ऑटोसोमल के जीन के ऊपर जीन डिफेक्ट आया है तो किस डिसऑर्डर को लीड करेंगे, ऑटोसोमल। तो आपको सिंपली यदि मैं किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो आपको सिंपली पेडिग्री चार्ट गिवन होंगे बेटा, और आपको पहचानना होगा वेदर द डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल और सेक्स लिंक, डिसऑर्डर इज डोमिनेंट और रेसेसिव। तो क्या क्ल्यू हैं जिसके थ्रू आप इन डिसऑर्डर को पहचानेंगे, तो फर्स्ट कम ओवर ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। नाम से क्लियर है कि जो जीन किसके ऊपर लोकेटेड हैं, ऑटोसोम के ऊपर। किसके ऊपर लोकेटेड हैं बेटा, ऑटोसोम, और उनके ऊपर यदि जीन म्यूटेशन हुई है तो किस डिसऑर्डर को लीड करेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल लाइक सीकल सेल एनीमिया, फिनाइल किटनूरिया, हंटिंगटन डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो किस तरह के डिसऑर्डर अपीयर होते हैं और कैसे इनको पहचाना जाता है, तो आपके सामने बहुत सारे पेडिग्री चार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर द डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और रेसेसिव। तो हर एक का एक पेकुलियर साइन है जिसके थ्रू आप पहचानते हैं। तो फर्स्ट कम ओवर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि ऑटोसोम हमारे अंदर हाफ कहाँ से आए हैं, मदर से, और हाफ कहाँ से आए हैं, फादर से। क्लियर है आपको? तो यदि ऑटोसोम के ऊपर डिफेक्ट है, जीन म्यूटेशन हुई है, तो इट इक्वली अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल प्रोजेनी। सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन है, इक्वली अफेक्ट मेल एंड फीमेल,
मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करता है। डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो जनरेशन को स्किप नहीं करेगा। मेंडल के अकॉर्डिंग डोमिनेंट ट्रेट आप किसको बोलते हो जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्सप्रेस होते हैं विदाउट एनी स्किप। तो कैसे आप पहचानेंगे डोमिनेंट है या रिसेसिव है? तो फर्स्ट कम ओवर पेडिग्री, यहाँ पे आपको एक पेडिग्री डिज़ाइन की हुई है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, तीन जनरेशन दिखाई गई है। अब जब भी हम पेडिग्री देखते हैं तो हम सबसे पहले किस जनरेशन पे जाते हैं बेटा? F1 पे। F1 हेयर दिस पी जनरेशन पेरेंटल एंड दिस हेयर रिप्रेजेंट F1 जनरेशन। यदि मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल प्रोजेनी इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं, ट्रेट शो हो रहे हैं, तो डिसऑर्डर कौन सा है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब डोमिनेंट आप देखें, पेरेंटल जनरेशन में भी डिसऑर्डर है, प्रोजेनी जनरेशन में भी डिसऑर्डर आ रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो हेयर, बट इसका पिकुलियर साइन क्या है? कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे आपके सामने तो आप पहचानेंगे। डू नॉट स्किप एनी जनरेशन, किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं करते। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो डिसऑर्डर अपीयर होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट। अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं फादर है, मदर है और उनके तीन बच्चे, मेल प्रोजेनी, फीमेल प्रोजेनी, मेल प्रोजेनी। तो इन तीनों प्रोजेनी में देखा कि दो में तो डिसऑर्डर आ गया, लेकिन इसका ये मेल प्रोजेनी क्या दिखाई दे रहा है आपको? अनअफेक्टेड। तो ये पेकुलियर साइन है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का। जरूरी नहीं है कि यदि मदर फादर को डिसऑर्डर है तो 100% तीनों बच्चों में बीमारी जाएगी। तो कैसे आया ये कंडीशन, तो इसको हम थोड़ा सा देखें। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीनोटाइप हम यहाँ पे कुछ यूज़ करते हैं सिंबल। ऑटोसोम सिंपली रिप्रेजेंट बाय AA, कैपिटल A, कैपिटल A, और ये तीन कंडीशन। तो यहाँ पे आपको यदि डोमिनेंट थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ तो मेंडल ने डोमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था? कैप्सलॉक कैपिटल अल्फ़ाबेट से, और रेसेसिव को किससे रिप्रेजेंट किया था? स्मॉल अल्फ़ाबेट को और इन्फीरियर अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पे ये जो होंगे बेटा ये क्या होंगे? अफेक्टेड, और ये क्या होगा? अनअफेक्टेड, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन, अनअफेक्टेड। तो यदि इसकी जीनोटाइप पूछी जाए तो पेरेंट जनरेशन की क्या जीनोटाइप होगी? यदि पेरेंट जनरेशन होमोजाइगस कंडीशन में होते फिर तो सभी बच्चों में क्या आती है? डिजीज़ अपीयर होती। इसका मतलब ये इस कंडीशन में नहीं है। पेरेंट आर इन हिट्रोजाइगस कंडीशन। पेरेंट किस कंडीशन में है बेटा? हिट्रोजाइगस। तो इसके अंदर कौन से केस अपीयर हो सकते हैं? द कंडीशन मे बी होमोजाइगस। ए कहाँ से आया? फादर से। कैपिटल ए कहाँ से आया? मदर से। या फिर कैपिटल ए कहाँ से आया? फादर से, और स्मॉल ए कहाँ से आया? मदर से। तो ये जो अफेक्टेड प्रोजेनी दिख रही है आपको, इट एग्जिस्ट इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन और हिट्रोजाइगस कंडीशन। अगेन ये जो प्रोजेनी दिख रही है आपको ये भी किस कंडीशन में हो सकती है? होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस। लेकिन ये प्रोजेनी सपोज फादर से आया स्मॉल ए और मदर से भी आ गया स्मॉल ए, तो स्मॉल ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे अनअफेक्टेड। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? सबसे पहले आप देखें कि यदि जनरेशन स्किप नहीं हो रहा, जनरेशन स्किप नहीं हो रहा तो डिसऑर्डर कौन सा है? डोमिनेंट। इक्वली मेल एंड फीमेल प्रोजेनी अफेक्ट हो रही है तो डिसऑर्डर कौन सा? ऑटोसोमल। लेकिन इसका सबसे स्पेसिफिक साइन क्या है? अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। तो ये की पॉइंट है जिसके थ्रू आप पहचानोगे कि ये डिसऑर्डर कौन सा है। दिस इज द की पॉइंट जो आपको याद रखना है निट के लिए, कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन विद जीनोटाइप स्मॉल ए। क्लियर हो गया आपको? एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर इज हंटिंगटन्स डिजीज, नॉट इन योर सिलेबस डिसऑर्डर, और अकोंड्रोप्लेसिया विच इज अ टाइप ऑफ डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म आपने सुना ही होगा, पोनापन। इट इज़ अ टाइप ऑफ डॉर्फिज्म विच बिलोंग टू ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगेन आई रिकैप हेयर,
की पॉइंट इज अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन. आपको होप सो क्लियर हो गया होगा. पेरेंट किस कंडीशन में बेटा? हिट्रोजाइगस. डोमिनेंट ट्रेट हिट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होते हैं. लेकिन यदि प्रोजेनी के अंदर स्मॉलेस्ट स्मॉले आ जाए तो वो प्रोजेनी कैसी होगी? अनअफेक्टेड. एंड दिस इज द की पॉइंट ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. नेक्स्ट कम ओवर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. अगेन आई हेयर राइट रेसेसिव डिसऑर्डर. रेसेसिव का मतलब रेसेसिव ट्रेट क्या होते हैं? जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्किप करते हैं तो दे कैन स्किप जनरेशन. तो यदि पेरेंट के अंदर डिसऑर्डर नहीं है लेकिन उनके बच्चों में ये बीमारी आ रही है, इसका मतलब उनके अंदर ये डिजीज़ कहाँ से आई? उनके ग्रैंड पेरेंट से आई होगी मे बी. हैंस द डिसऑर्डर इज रेसेसिव डिसऑर्डर. तो अब ध्यान से देखें कैसे देखते हैं हम. तो स्किप जनरेशन, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन. दिस इज द की पॉइंट ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. हर एक का की पॉइंट है, आपको मेजर फोकस करना है बेटा की पॉइंट पे, क्योंकि आपके सामने पेडिग्री गिवन होगी और आपको पहचानना होगा वेदर द डिसऑर्डर इज डोमिनेंट और रेसेसिव. और आपके सिलेबस में, दिस इज इन योर सिलेबस, CBSE सिलेबस में है, बोर्ड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसके एग्जाम्पल हैं बेटा PKU, फिनाइल किटोनूरिया, सीकल सेल इनीमिया, अलकैप्टोनूरिया एट्सेट्रा. हम दो दो एग्जाम्पल करते चलेंगे क्योंकि आपके पेपर में आ जाए. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव. नाउ कम ओवर द जीनोटाइप. अब यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा जीनोटाइप पे फोकस करें तो आप ध्यान से देखिएगा. फिर से ऑटोसोम को रिप्रेजेंट किया मैंने कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए. अब रेसेसिव को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? ऑलवेज किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? स्मॉल ए स्मॉल ए. रेसेसिव ट्रेट हम पढ़ चुके हैं. और कैपिटल ए कौन सी कंडीशन है? डोमिनेंट कंडीशन है. तो यदि इंडिविजुअल इस जीनोटाइप के साथ आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? अनअफेक्टेड. और यदि इस जीनोटाइप के साथ आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? अफेक्टेड. अब आ जाते हैं हम अपनी थोड़ी सी पेडिग्री पे. सिकल सेल एनीमिया है और आपको जीनोटाइप पूछ ली जाए पेरेंट्स की, तो पेरेंट किस कंडीशन में होंगे? अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पेरेंट ना फादर के अंदर ना मदर के अंदर. हेयर दिस रिप्रेजेंट F1 पी जनरेशन, F1 जनरेशन एंड दिस इज F2 जनरेशन. यहाँ पे ना आपको देखा फादर में भी डिजीज़ नहीं है, मदर में भी डिजीज़ नहीं है, लेकिन उसके चाइल्ड में डिजीज़ अपीयर हो गई. तो क्यों हुई? इसका मतलब पेरेंट की जीनोटाइप क्या होगी? यदि आप पेरेंट की जीनोटाइप ये लिखते हो तो क्या ये कंडीशन अपीयर होगी? क्योंकि बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि अफेक्टेड है तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी? स्मॉल ए स्मॉल ए. हेयर दिस रिप्रेजेंट स्मॉल ए स्मॉल ए अफेक्टेड. अब ये कंडीशन यदि पेरेंट्स में है तो क्या बच्चे के अंदर ये कंडीशन आ सकती है? नो. दैट मीन्स पेरेंटल जनरेशन एग्जिस्ट इन हिट्रोजाइगस कंडीशन, एग्जिस्ट इन हिट्रोजाइगस कंडीशन. अदरवाइज रेस्ट ऑफ प्रोजेनी किस कंडीशन में होंगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि ये इसके जनरेशन से बिलोंग नहीं करता. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जनरेशन स्किप होती जा रही है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये तो नेक्स्ट जनरेशन. अब यहाँ पे डिसऑर्डर है लेकिन नेक्स्ट में नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पे ये जो लेडी आई है, ये जो इसका सन है, सन को डिसऑर्डर नहीं है. सन किस कंडीशन में हो सकता है? इस कंडीशन में, इस कंडीशन में. अब आप ध्यान से देखें, इसकी मैरिज हुई इसके साथ तो अब नेक्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर नहीं गया, तो इसका मतलब इसका जो सन था, बेटा था, वो किस कंडीशन में होगा? होमोजाइगस या हिट्रोजाइगस? तो इसको थोड़ा सा देखिएगा आप ध्यान से. यदि ये हिट्रोजाइगस कंडीशन में है तो स्मॉल ए स्मॉल ए कंडीशन यहाँ आ सकती है. इसका मतलब इसका बेटा किस कंडीशन में है? होमोजाइगस कंडीशन में. एंड द प्रोजेनी विथ कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड हेयर कैपिटल ए स्मॉल ए इज अनअफेक्टेड. क्लियर? तो इस तरह से आपको जीनोटाइप, तो यहाँ पे एक बार फिर रिकॉल कराती हूँ, जीनोटाइप को थोड़ा रिवर्स कर देना है. यहाँ पे डोमिनेंट के केस में कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? अफेक्टेड प्रोजेनी को. एंड स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अनअफेक्टेड को. वेयर इज इन केस ऑफ रेसेसिव डिसऑर्डर कैपिटल ए स्मॉल ए रिप्रेजेंट अनअफेक्टेड एंड स्मॉल ए रिप्रेजेंट अफेक्टेड. यहाँ पे आप देख लें, यदि इसको देखें आप दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे स्मॉल ए क्या है? अनअफेक्टेड. और यहाँ पे स्मॉल ए क्या है? अफेक्टेड. बस इसके ऊपर आपको फोकस करना है. नेक्स्ट कम ओवर सेक्स लिंक डिसऑर्डर और एक्स लिंक डिसऑर्डर. वाई इट इज सेड टू बी एक्स लिंक डिसऑर्डर? क्योंकि वाई के ऊपर आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कंटेनिंग लिस्ट नंबर ऑफ जीन एंड कंटेनिंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ जीन लाइक TDF टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर एंड वाई क्रोमोजोम इनहेरिट फ्रॉम फादर टू देयर सन. बट फादर से
पापा से फादर से कहाँ जाता है, उसके बेटे में जाता है। तो नेक्स्ट कम ओवर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, फीमेल को अलॉन्ग विथ मेल ऑल्सो। तो क्या इसका की पॉइंट है, हमारा फोकस किस पे रहेगा बेटा, की पॉइंट पे। ध्यान से देखें, नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन एंड ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर। हेयर आई थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ध्यान से देखें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, इसका की पॉइंट है बेटा कि फादर से कभी भी उसके सन में ये ट्रांसफ़र नहीं होगी। एंड ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, दिस इज द की पॉइंट। अगेन आपको फोकस करना है की पॉइंट पे, ध्यान से देखें। यहाँ पे फादर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं फादर की। अब एक्स लिंक्ड है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एक्स वाई, और फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्स से। क्लियर। अब फादर के ऊपर कैरियर जीन है, डिजीज्ड जीन है, वाई के ऊपर कोई जीन नहीं होता, और एक भी एक्स के ऊपर यदि डिजीज जीन आ जाए तो वो नेक्स्ट जनरेशन को क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। अब जो डॉटर है, बेटी है, उसके अंदर एक्स, एक एक्स कहाँ से आता है बेटा, फादर से, और एक एक्स कहाँ से आता है, मदर से। तो आप ध्यान से देखें इनकी जीनोटाइप क्या होगी, एक एक्स डेफिनेटली कहाँ से आ रहा है, फादर से, और फादर से जो एक्स आ रहा है, यहाँ पे आप देखें फादर से जो भी एक्स आ रहा है यहाँ पे, वो कैसा आ रहा है, विथ डिजीज जीन। इसका मतलब इफ फादर इज डिजीज देन देयर डॉटर 100% डिजीज, एंड दिस रिप्रेजेंट एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। दिस इज द की पॉइंट, ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, एंड दिस इज द पेकुलियर की पॉइंट ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्लियर। तो यहाँ पे सिंपली आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट कम ओवर एक्स लिंक रेसेसिव, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम्पल लिख लें, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। नेक्स्ट एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, दिस इज इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में दो ही डिसऑर्डर हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ, ऑटोसोमल रेसेसिव एंड सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। आपको फोकस नहीं करना डोमिनेंट पे फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज नेट में आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लेकिन आप हर एक का सिर्फ की पॉइंट याद कर लें कि आपको पेपर में पेडिग्री बनी आएगी नेट में, और आपको सीधा सा आइडेंटिफाई करना होगा। तो नेक्स्ट कम ओवर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, इसके एग्जाम्पल करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल है इसके, कलर ब्लाइंडनेस, एंड सेकेंड वन इज हीमोफीलिया, हीमोफीलिया विच इज ऑल्सो सेड टू बी ब्लीडर्स डिजीज और रॉयल फैमिली डिजीज। एंड इट इज सेड टू बी रॉयल फैमिली क्योंकि इट वॉज फर्स्ट नोटिस इन रॉयल फैमिली, क्वीन विक्टोरिया के लीनियस में देखी गई थी ये। और ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि माइनर कट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8-9 ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, एंड दैट डिजीज इज सेड टू बी हीमोफीलिया। अगेन ऑफ थ्री टाइप ए बी सी वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्लस वन वीडियो, प्लस वन क्लास की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं हीमोफीलिया ऑफ थ्री टाइप ए बी सी। लेकिन यहाँ पे सिंपली बता देती हूँ ब्लीडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड नॉट एबल टू क्लॉट इन एप्रोप्रिएट टाइम एंड कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग टेक प्लेस। तो अब यहाँ पे देखें एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। अगेन रेसेसिव आता है तो रेसेसिव ट्रेट ऑलवेज किस कंडीशन में अफेक्ट होता है बेटा, होमोजाइगस कंडीशन में। तो हेयर आई रिप्रेजेंट थ्री जीनोटाइप, तीन जीनोटाइप लिखूंगी मैं यहाँ पे, उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल, एक्स वाई नॉर्मल मेल, एक्स कैरियर फीमेल, डिजीज जीन लोकेटेड एट बोथ एक्स, देन इट इज अफेक्टेड फीमेल, वेयर एज वाई कंसिस्ट ऑफ नो जीन, हैंस विथ मेल विथ ओनली वन एक्स विथ डिजीज जीन ऑलवेज अफेक्टेड अफेक्टेड मेल। तो यहाँ पे आप देखें
कि वैसे तो रेसेसिव डिसऑर्डर किस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, होमोजाइगस, लेकिन सेक्स लिंक डिसऑर्डर एक्सेप्शन है जहाँ पे मेल के अंदर रेसेसिव डिसऑर्डर किस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहे हैं बेटा, हीट्रोजाइगस कंडीशन में। तो आप देखें कि फीमेल अफेक्टेड कब होगी, जब उसके दोनों के ऊपर एक्स डिजीज जीन आए, मदर से भी आए फादर से भी आए, लेकिन बेटा जो मेल प्रोजेनी है या कोई भी मेल फादर है या मेल प्रोजेनी है वो अफेक्टेड कब होंगे, जब उसके अंदर एक भी एक्स डिजीज आ जाए। और एक्स सन में कहाँ से आता है, फ्रॉम मदर, इसका मतलब मदर अफेक्टेड है, कैरियर है, तो वो किसको डिजीज ट्रांसफर कर देगी, अपने सन को। लेकिन यदि बेटी कब उसकी डिजीज होगी, मतलब मदर से एक एक्स, सपोज उसको बेटी को मदर से आ गया लेकिन उसको फादर से नॉर्मल एक्स आ रहा है, तो वो ऑलवेज क्या होगी, कैरियर होगी पर अनअफेक्टेड होगी, डिजीज नहीं होगी। इसका मतलब अफेक्टेड फीमेल एपियर ओनली व्हेन, जब उसकी मदर क्या हो, या तो कैरियर हो या अफेक्टेड हो, या उसके फादर 100% क्या हो, अफेक्टेड हो। तो दिस डिसऑर्डर मेनली एक्सप्रेस इन मेल प्रोजेनी। तो हेयर अगेन रेसेसिव है, तो वन जनरेशन क्या दिख रहा है आपको, स्किप, पेरेंटल जनरेशन में कोई डिसऑर्डर नहीं है, F1 में आ गया। अगेन आपने देखा F1 में यहाँ नहीं है, पेरेंटल में नहीं है, नेक्स्ट में चला गया, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज हो गया बेटा, ध्यान से देखें। अब आपसे पूछ लिया जाए मेल आर मोर इफेक्टेड, यदि आपको किसी भी डिग्री में ज़्यादा चांसेस किसके डिजीज होने की दिखाई दे रही है मेल की, तो वो डिसऑर्डर कौन सा है, एक्स लिंक रेसेसिव, क्योंकि एक्स लिंक मेल हेयर अफेक्टेड, मेल अफेक्टेड इन हिट्रोजाइगस कंडीशन, हिट्रोजाइगस कंडीशन, हिट्रोजाइगस कंडीशन। तो अब देखें डिजीज टेंड टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, मदर से किस में ट्रांसफर हो रही है बेटा, सन में, मदर से कहाँ जा रही है, ये सन में जा रही है, इसका मतलब मदर यहाँ पे क्या है, कैरियर। यदि फादर के ऊपर तो एक भी डिजीज आ जाता तो वो क्या होते, अफेक्टेड, लेकिन यहाँ पे फादर क्या दिख रहे हैं आपको, नॉर्मल, इसका मतलब इनकी जीनोटाइप क्या है, एक्स वाई, क्लियर। लेकिन मदर आपको अनअफेक्टेड तो दिख रही है, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर को ट्रांसफर कर रही है, किसको, मेल प्रोजेनी को, अपने बेटे को, इसका मतलब मदर किस कंडीशन में है, कैरियर बट अनअफेक्टेड। तो अब आप देखें कि ये फीमेल में क्या आया बेटा, सपोज फीमेल में आ सकता है या तो ये मदर से कैरियर जीन, फादर से नॉर्मल, या मदर से भी नॉर्मल, फादर से भी नॉर्मल। लेकिन जो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जो सन है इसके अंदर क्या आया बेटा, कैरियर जीन कहाँ से आया, मदर से, और फादर से क्या आया, वाई, तो ये क्या हो गया, अफेक्टेड। लेकिन यदि मैं इस जनरेशन पे जाऊँ कि जो बेटी है वो आपको नॉर्मल दिखाई दे रही है, तो ये वो कैरियर है या नॉर्मल है, यदि वो नॉर्मल होती तो वो नेक्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर ट्रांसमिट नहीं करती, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर ट्रांसमिट कर रही है, इसका मतलब वो किस कंडीशन में है बेटा, कैरियर कंडीशन में है, कैरियर बट अनअफेक्टेड। तो आपको यहाँ पे किसके ऊपर फोकस करना है कि फीमेल कब अफेक्टेड होगी, अब यहाँ पे आप देखें फीमेल अफेक्टेड दिख रही है आपको, फादर भी अफेक्टेड दिख रहे हैं और मदर भी अफेक्टेड दिख रही है, तो उसके सारे प्रोजेनी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो जब फीमेल अफेक्ट आ रही है, फीमेल अफेक्टेड हो रही है, इसकी जीनोटाइप लिखें तो आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई, और अगेन मदर यहाँ पे क्या दिख रही है, अफेक्टेड, एक्स एक्स, तो किसको ट्रांसमिट कर दिया उसने डिजीज, सभी बच्चों को, सभी बच्चों को। तो आप देख रहे हैं कि डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, जहां पे डिजीज फादर टू सन ट्रांसफर नहीं होती उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और जहां डिजीज फादर टू डॉटर ट्रांसफर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो देयर इज वन की साइन, तो दिस इज द की साइन और की पॉइंट जिसके थ्रू आप नोटिस करोगे कि ये डिसऑर्डर कौन सा है। तो आपको सिर्फ पेडिग्री में निट के लिए तो की पॉइंट पे फोकस करना है बेटा, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यदि मैं बात करूं तो हमें फोकस करना है सिर्फ दो ही डिसऑर्डर पे, ऑटोसोमल रेसेसिव पे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोसोमल रेसेसिव पे एंड सेक्स लिंक रेसेसिव पे। एग्जाम्पल सबके होप्स सो क्लियर होंगे।